हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत सिंपल है। इसे मैंने पुदीना, हरा धनिया और कच्चे आम से बनाया है। इसको आप स्नैक या खाने किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। एंड मैं वो सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे चटनी टेस्टी बनने के साथ साथ एकदम फ्रेश भी दिखेगी। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये पुदीना लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में लिया है। ये धनिया लिया है, ये इसकी हाफ क्वान्टिटी में लिया है पुदीने की। एंड एक आम लिया है, ये थोड़ा सा लहसुन लिया है, एक ग्रीन चिली लिया है, थोड़ा सा जिंजर लिया है, एंड ये थोड़ा सा पीनट लिया है, जिससे कि जो चटनी है इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब सारे इंग्रेडिएंट को ब्लेंडर में डाल ले रही हूँ मैं। ये सबसे पहले पीनट, ये गार्लिक, जिंजर, ये चिली, और जो पुदीना और हरा धनिया है इसको भी डाल लेंगे ब्लेंडर में तरीके से। और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से सारा जो पुदीना था मैंने डाल दिया है, और जो कोरिएंडर है उसको भी डाल दूँगी तरीके से। ये आम था, इसको पील कर लिया है, इसको भी डाल दूंगी ब्लेंडर में ही। थोड़ा सा क्यूमिन सीड डाला है, थोड़ा सा ये सॉल्ट ये भी ऐड करूंगी, थोड़ा सा वाटर, ये एकदम चिल्ड वाटर है, जिससे कि जो चटनी है वो एकदम ग्रीन रहेगी, एकदम फ्रेश दिखेगी आपको। इसकी जगह पे आप दो आइस क्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट को डाल के मैं इसको बंद कर दे रही हूँ ब्लेंडर को, और इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड लीजिए, आपकी ग्रीन चटनी बनके तैयार है। आप इसको किसी भी स्नैक या खाने किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आके ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आपको ग्रीन चटनी की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।